हेलो गाइस, तो आज हम अनबॉक्स करेंगे बोट के साउंड बार को और साथ में इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो बनाने तक जरूर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो यह है बोट कंपनी का एक साउंड बार जिसका मॉडल नंबर है 12-1200। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था 4300 का। तो अभी सेल चल रही है तो फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं जो उसके बॉक्स पे लिखे हैं। तो इसके अंदर आपको 2.0 चैनल साउंड मिल जाती है, मल्टी कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप यूएसबी लगा सकते हैं एंड ऑक्स केबल भी लगा सकते हैं। प्रीमियम एचडी साउंड मिल जाती है विद 80 वॉट का सबवूफर के साथ। इनहेंस बाय पावर पैक सबवूफर मिलता है आपको उसके अंदर एंड अडाप्टिव फॉर ऑल मॉडल्स। के अंदर आपको मोड्स मिल जाती है न्यूज म्यूजिक एंड मूवीज के, जिसको आप इक्वलाइजर भी कहते हैं एंड गो वायरलेस भी है। इसके अंदर ब्लूटूथ मिल जाता है आपको 4.2 का, क्योंकि आप लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन रिमोट एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल, मतलब रिमोट इसके अंदर आपको मिलता है, स्लेव डिजाइन है। तो इसे यूज करते हुए मुझे एक दिन हो चुका है, तो उसे मैंने दोबारा पैक किया अनबॉक्सिंग के लिए। तो बॉक्स अभी खुला हुआ है, तो ये मैंने खोला बॉक्स को। सबसे पहले हमें मिलता है सबवूफर, तो ये सबवूफर पन्नी में कवर आता था, लेकिन मैंने पन्नी अभी नहीं लगाई है, मैंने इसे डायरेक्ट फॉर्म से पैक कर दिया बस। तो ये 80 वॉट का इसका सबवूफर है, तो ये पूरा वुडन का है, यहाँ पे बोट की लोगो दिया गया है एंड यहाँ से एयर बाहर निकलती है एंड इस साइड इसका सबवूफर है जो कि 80 वॉट का है। तो क्वालिटी की बात करें तो बहुत सॉलिड क्वालिटी है, पीछे से कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और ये इसकी वायर है जो कि साउंड बार पे अटैच होती है, तो इसे रखते हैं हम साइड पे। निकालता हूँ मैं साउंड बार को, तो उसके अंदर ये भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर यूजर मैनुअल गाइड है एंड वॉल माउंट करने के भी स्क्रूज दिए गए हैं एंड ऑक्स केबल भी दी गई है एंड कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं। इसे रखते हैं साइड पे, और रिमोट भी दिया गया है, पहले इसे बाहर निकालते हैं। तो ये है इसका रिमोट जो कि मैंने इसके अंदर पैक किया हुआ है। देख सकते हैं रिमोट में फीचर्स बहुत हैं, ऑन ऑफ का है, म्यूट का है, पेयर करने का इनपुट है एंड रीसेट है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, अगर यूएसबी लगाओगे आप पेन ड्राइव से गाने आगे पीछे भी कर सकते हैं एंड वॉल्यूम प्लस माइनस, ट्रेबल प्लस माइनस, बेस प्लस माइनस, म्यूजिक, मूवीज, न्यूज, 3D, तो 3D का फीचर भी मिलता है इसके अंदर। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है साउंड बार, फ्रंट में बोट का लोगो दिया गया है एंड इसके अंदर आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं, तभी 2.1 होता है ये एंड ये पीछे पावर इनपुट की केबल है। और इसके साइड से मैं दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे चार बटन मिल जाते हैं, एक पावर ऑन ऑफ का, एक प्लस माइनस की वॉल्यूम का एंड ब्लूटूथ ऑन ऑफ का, जिसे आप मोड चेंज कर सकते हैं। तो पीछे साइड आपको कुछ स्लॉट्स मिल जाते हैं, एक यूएसबी वाला, एक ऑक्स केबल लगाने का, एक सबवूफर का, तो सबवूफर की जो वायर है वो उसके अंदर लगेगी एंड यहाँ पे वॉल माउंट का दिया गया है। और इस साइड भी एक वॉल माउंट का दिया गया है, तो टोटल दो स्क्रूज लगेंगे वॉल माउंट करने के लिए, दीवार में छेद करा के होगा। और इस साइड बिल्कुल प्लेन है। तो क्वालिटी की बात करें तो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और सॉलिड क्वालिटी है। तो मैं आपको उसे सेटअप करके वॉल्यूम टेस्ट कराता हूँ उसकी। तो मैंने इसे सेटअप कर लिया, मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने MCS मूवी प्ले किया है, तो बेस बड़ी कमाल की, आपको तो शायद ना समझ आ रहा हो रिकॉर्डिंग में, लेकिन रियल लाइफ में बहुत बेस कमाल की है एंड साउंड बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आपको फुल वॉल्यूम पे सुनाता हूँ कि देखते हैं वॉल्यूम फटती है नहीं फटती, वैसे नहीं फटती, मैंने टेस्ट किया हुआ है। मैक्सिमम वॉल्यूम, दूसरा लगाया मैंने, तो फुल वॉल्यूम पे भी इसके बिल्कुल साउंड नहीं फटती। तो
तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल रिकमेंडेड है और मैं पर्सनल यूज के लिए मैंने लिए हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अदर मॉडल्स का भी मिल जाएगा, इसका हायर वेरिएंट का। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।